काफ़ी चीज़ें मिल जाती है आपको यहाँ पर, क्लॉथ्स वगैरह, सब्जी वगैरह, फल वल और भी दूसरे आइटम, कॉस्मेटिक्स आइटम्स ये आपको मिल जाएंगे। देखिए शोरूम्स है कुछ। सो हेलो माई यूट्यूब फैमिली, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आपको वसुंधरा और इंद्रापुरम लोकेशन के ब्लॉग पसंद आए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और आज ऐसी ही एक अलग लोकेशन का ब्लॉग बनाने में जा रहे हैं जिसका नाम है वैशाली। दोस्तों वैशाली भी गाजियाबाद का एक वन ऑफ द पॉश एरियाज है, तो आज हम इसका ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा, तो प्लीज़ दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। चलिए आप अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। क्या है प्रमोद? इस मॉल में आधार कार्ड बना था मेरा, जब आधार कार्ड बनने लगे थे मैंने स्टार्टिंग में बनवा लिया था, तो 10वीं की मार्कशीट दिखाई और अपना आधार कार्ड बनवाया। यहाँ से हो जाएंगे लेफ्ट, अब ये रोड चल रहा है, ये है जो जाएगा दिल्ली यूपी गेट के लिए साहिबाद गांव से होते हुए, और ये है साइड में राइट साइड में आपके साहिबाद साइड फोर इंडस्ट्रियल एरिया राइट। रुक जाते हैं भाई, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यह है गैलेक्सी मॉल, गैलेक्सी सिनेमा है, ये आप सामने देख रहे होंगे। आप इसकी कंडीशन देखो, आपको देख के लगेगा नहीं कि ये इतना चलता होगा, और ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और ये है जी वैशाली मेट्रो स्टेशन, वैशाली मेट्रो स्टेशन मैं आपको दिखाया था फ्रेंड से, ये जी ये है वैशाली मेट्रो स्टेशन, यहाँ से आप जाते हैं अंदर। ये जी हम करेंगे एंटर वैशाली एरिया में यहाँ से, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको मागुन मेट्रो मॉल, ये सामने है। यह सामने महावीर मेट्रो मॉल भाई साहब, इस एरिया में ये मॉल ऐसा है कि ये और एक इंडिया सॉरी नोएडा का स्पाइस मॉल, जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आते हैं। ये देखिए भाई साहब बैलनों का बहुत ही बड़ा प्रचार कर रखा है, काफ़ी अच्छा। ये पूरा फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, मेन गेट है मॉल का, और इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ये देखिए, इधर आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। ये है जी इसका बैक गेट, ये इसका बैक गेट है मागुर मेट्रो मॉल बिग बाजार। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये सामने देख रहे हैं, ये है एंसल प्लाजा। इसे भी देख करके ऐसा लगता है जैसे चलता नहीं होगा, बट ये भी काफ़ी अच्छा चलता है। एक बार आया था यहाँ पर मैं मूवी देखने के लिए, बद्रीनाथ की दुल्हनिया वरुण धवन की, तो मैं आपको इसका फ्रंट दिखा देता हूँ। ये दोनों मॉल आमने सामने हैं, नागुन मेट्रो मॉल और अंसर प्लाजा। ये देखिए ये हो रही है यहाँ से मॉल की एंट्री, और मैं दिखाया था आपको थोड़ा सा साइड से, ये सामने है मॉल अंसर प्लाजा। मैं यहाँ पर काम करता था कुछ साल पहले, कुछ क्या काफ़ी साल हो गए हैं जब मैं यहाँ पर काम करता था नेट्रेस शोरूम में, तो यहाँ पर मैं जब मुझे आता था यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना कुछ बना हुआ नहीं था, ये काफ़ी ज़मीनें खाली थी यहाँ पर, लेकिन अब तो काफ़ी भर गया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से जहाँ मैं जॉब करता था, अब तो वो शोरूम है नहीं क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पर आया था, तो वो शोरूम यहाँ पर नहीं था। स्टैंड भाई यह जी सामने आस्था फर्नीचर, यहाँ पर भी मैं आता रहता था जब मुझे मैट्रेस के शोरूम में काम करता था, ये सामने, और मैं इसी गली में करता था जॉब मैट्रेस शोरूम में। भाई ये वही भाई है, यहाँ की दुकान थी सिंगल फॉर्म्स की भाई, ये पुरानी दुकान है भाई की बाइक ठीक करने की, आज भी है, और यही कि सिंगल फॉर्म था लेकिन अब है नहीं वो।
जहाँ पर मैं काम करता था। यहाँ सामने आएगा लेफ्ट में एक मंदिर, ये है जी वो मंदिर, ये देखिए। ये है जी सामने शॉपरिक्स मॉल, छोटा बड़ा प्यारा मॉल है। ये देखिए स्टारक सिनेमा है यहाँ पर, और बलेनो का प्रचार तो भाई हर जगह हो रहा है, नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। और ये है एंट्री इसकी, एक इस साइड से और एक उस साइड से, मैं आपको उस साइड की एंट्री भी दिखा दे रहा हूँ। एक ये है जी एंट्री इस मॉल की, छोटा मॉल छोटी एंट्री लेकिन यह बहुत प्यारा मॉल है सीरियसली। ये जी ये यहाँ पर मार्केट लगती है छोटी, ये काफ़ी चीज़ें मिल जाती है आपको यहाँ पर, क्लॉथ्स वगैरह, सब्जी वगैरह, फल वल और भी दूसरे आइटम, कॉस्मेटिक्स आइटम्स ये आपको मिल जाएंगे। देखिए शोरूम्स हैं, कुछ शॉप्स हैं कपड़ों की, और ये कुछ रोड पर भी लगा रखे हैं, तो ये भी ठीक ठाक रेट में मिल जाते होंगे आपको, आप देख लीजिए। खासकर लेडीज़ गारमेंट्स हैं यहाँ पर, ये देखिए शाम में और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एक शोरूम था रिलायंस का, मैंने उसमें भी जॉब किया है। ये देखिए मार्केट लग रही है अभी भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन के। मेरा एम है कि मैं पूरी इंडिया में घूमूँ, बाहर की तो बात की है, आउट ऑफ कंट्री की बात तो बात की है, पहले मैं अपनी कंट्री में जो जो मेन लोकेशन है, इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं, मैं उन पर उनके यहाँ व्लॉग बनाऊं, उनका ट्रैवल करूं और आपको वो सारी लोकेशन दिखाऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। ये रेडिशन ब्लू होटल है, और एक रेडिशन ब्लू ये है जी, ये दोनों होटल बड़े पास पास में बना रखे हैं इन्होंने, पता नहीं क्यों। अब यहाँ से होंगे हम लेफ्ट आगे जा करके, क्योंकि मुझे दिखाना आपको नेक्स्ट हॉस्पिटल वैशाली का। ये है जी मैक्स हॉस्पिटल, ये मैक्स हॉस्पिटल है, ये देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर, सामने ये ग्रिल पे लिखा भी हुआ है। और मैक्स हॉस्पिटल के बारे में तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं यार, ऑलमोस्ट सारी चीज़ दिखा दी है मैंने आपको, बस यहाँ आगे जा करके थोड़ा सा और है एरिया, मैं आपको उसका थोड़ी सी और झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद एक लास्ट चीज़ रह जाएगी। अब वो चीज़ ऐसी है कि वो अब चीज़ बंद हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी उसे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जी बच्चों के स्कूल बन रहे हैं, प्ले वे स्कूल, ये कोई बड़ा नाला है इस एरिया का, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ राइट पे घुमा के दिखा देता हूँ, आगे से वैसे बंद ही है ये, लेकिन आपको दिखा देता हूँ ये थोड़ा सा घुमा करके, अंदर नहीं जाऊँगा ज़्यादा, बस जाकर जूटर लेकर के आ जाऊँगा। ये आप देखिए वनस्थली पब्लिक स्कूल, ये वनस्थली पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, जो कि एक वसुंधरा में भी इसकी ब्रांच है, लेकिन ये छोटा है वहाँ पर बड़ा है। तो यहीं से हम राइट ले लेते हैं यूटर, अगेन हम आगे मेन रोड पर। यह जी सामने NH24 का हाईवे, या एनी बोल दो आप, NE3 नेशनल एक्सप्रेस वे 3, यहाँ से हो जाती है दिल्ली स्टार्ट, राइट साइड में आप चले जाएंगे दिल्ली में। यह जी वो चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था सामने, ये था फन सिनेमा, ये था यहाँ पर फन सिनेमा, जो कि काफ़ी अच्छा मॉल था ये, और क्राउड भी इतना क्राउड तो नहीं रहता था यहाँ पर, लेकिन जो कपल्स थे उनको वो यहाँ पर आते थे, उनको काफ़ी अच्छी प्राइवेसी मिल जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास के एरिया के लोग हैं वो जल्दी से यहाँ पर आते नहीं थे, तो उनको एक प्राइवेसी मिल जाती थी। और यहाँ पर ब्रांड फैक्ट्री जैसे शोरूम थे,
तो बढ़िया था काफ़ी। लेकिन अब इसकी हालत देखो, मैं भी यहाँ पर आया था एक बार, यहाँ पर मैंने मूवी देखी थी तो काफ़ी अच्छा लगा था मैं भी। और यहाँ पर साइड में जो आप देख रहे हैं ना ग्रीनरी, यहाँ पर था एक वाटर पार्क, तो उसमें बच्चों के लिए काफ़ी झूले भी लगे हुए थे। अब ये बिल्कुल इसकी हालत जर्जर हो चुकी है, बंद हो गया, चला नहीं जाता। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि ये एरिया आपको कैसा लगा। तो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ललित कुमार साइनिंग ऑफ़।